दुख जरूर होता, आश्चर्य नहीं हुआ। अब ये सिलसिला चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बिल सिक करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। लेकिन सर इधर जो प्रचार के लिए मुझे भी खबर है कि क्या क्या सवाल पूछे गए। आप लोग मोदी जी की नीतियों का इतना विरोध क्यों करते हैं, मोदी जी की नीतियों का विरोध करने का मतलब समझते हैं, ये भी सवाल पूछे गए। बताऊं, अब इस देश में ये हालत है कि सरकार की कोई आलोचना करे तो उसे उठा करके डाल दो जेल में। फैसिस्ट स्टेट का एकदम मॉडल है, बिल्कुल सही वाला मॉडल, आदर्श मॉडल, लेकिन खत्म तो सब होता है। लालू जी काफी मुखर हो गए हैं बिहार के बाद कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए और जिससे देश के गरीबों और दलितों को फायदा हो। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था और मैं देख रहा हूँ 48 घंटे में पूरे देश में इसकी मांग उठने लगी है। जिंदा आंकड़े चाहिए ना, समकालीन आंकड़े चाहिए, वैज्ञानिक आंकड़े चाहिए। और जो इसके विरोध में है, कल से मैं देख रहा हूँ पीएम को समझ में नहीं आ रहा कैसे हैंडल करें। चिंता उनके लिए भी होती है, उनको तो गले लगा करके इन आंकड़ों का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं अपने इसी दौर में घोषणा करता हूं कि जातिगत जनगणना होगी। लेकिन वो तो ज्यादातर कांग्रेस जिसकी जितनी आबादी भागीदारी, तो हिंदू अगर आगे आ जाए अपनी आबादी के हिसाब से भागीदारी मांगने तो क्या स्टैंड होगा उनका? अरे प्रधानमंत्री जी की मासूमियत पर तो मन करता है कि सलाम ठोकू। अरे प्रधानमंत्री जी थोड़ी समझ है, हिंदू मोनोलिथ नहीं है, उसमें जातियां हैं। सीवर में उतर के मरता कौन है प्रधानमंत्री जी, वो भी हिंदू है। हिंदू समाज का भी भला होगा अगर नॉन फाउंड सूटेबल के नाम पर ओबीसी ईबीसी को विश्वविद्यालयों से खारिज किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी वो भी हिंदू है। हिंदू समाज अगर जातिगत ढांचे में आज तक उलझा हुआ है तो उसको सिर्फ हिंदुत्व की धुंधली चादर से आप ढक नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी, आइए आंकड़ों का स्वागत करिए, गले लगाइए इन आंकड़ों को। इसने एक ऐतिहासिक क्षण दिया है देश को, यहां से करवट लेगी राजनीति।